नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैथमेटिक्स में हम जो भी चीजें बता रहे हैं पूरे देश का नंबर वन कॉन्सेप्ट है। आप आज भरोसा करें या दो साल बाद भरोसा कीजिएगा। धन्यवाद। मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले हमारी 7 टाइप की ट्रेनिंग क्लास होती है, जिसमें हमने 4 टाइप खत्म कर चुके हैं। टाइप नंबर वन में हमने 4 क्लासेस, टाइप नंबर दो में हमने 2 क्लासेस, टाइप नंबर 3 में हमने 3 क्लासेस और टाइप नंबर 4 में हमने 2 क्लासेस खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5, जिसका नाम है चेंजिंग ऑफ रेशियो इनटू अपोजिट रेशियो। रेशियो का हम अपोजिट रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। ये जो ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5 है, ये वर्क एंड टाइम में, पाइप एंड सिस्टर्न में, ट्रेन टाइम डिस्टेंस में और नंबर सिस्टम में काम आता है। रेशियो में भी काम आता है, वर्क एंड टाइम में भी काम आता है, बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। और इसकी बारीकियों को समझेंगे तभी आप उन चैप्टर में आपको समझने में सहायता मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5 की पहली क्लास। कॉपी और पेन के साथ आप बैठेंगे। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में हम अपना पढ़ाने का मेथड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप विश्वास करें कि जो भी चीजें हम बोल के लिखवाते हैं इससे आपका दो दो बार कॉन्सेंट्रेशन बनता है। एक बार लिखते वक्त, एक बार समझते वक्त आप वीडियो को पुश करके भी क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। बोल के लिखवाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है पढ़ने वाले छात्रों के लिए, और यदि आप मनोरंजन के साथ सो करके वीडियो देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन जो छात्र यदि सही तरीके से मैथ करना चाहते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत ही बढ़िया है। यदि हम क्वेश्चन लिख देते हैं तो इससे ज्यादा बेनिफिट मुझे भी होगा। क्वेश्चन बोल के लिखवाने से मेरा भी नुकसान होता है, यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो मुझे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप इसको बाद में समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5 की पहली क्लास। देखिए इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक लड़का है, इसको दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। एक लड़की भी है, इसको भी दिल्ली से मुंबई जाना है। इसकी स्पीड है मान लीजिए 5 और लड़की की स्पीड है 3। आप ही बताइए, दिल्ली से एक ही रास्ते से जाना है, ये अपने कार से जाते हैं, ये अपनी कार से जाती हैं, मुंबई पहले कौन पहुंचेगा? आप ही बताइए, मुंबई पहले लड़का पहुंचेगा, क्योंकि इसकी स्पीड तेज है और इसकी स्पीड कम है। दोस्तों यदि चाल का अनुपात 5:3 है तो आप कभी ना कभी ये बात सुने होंगे कि समय का अनुपात 3:5 होता है। ये कैसे होता है? इसका निर्धारण डिस्टेंस करता है। जैसे मान लीजिए कि एक डिस्टेंस लेते हैं हम 15, 5 और 3 का डिविजिबल फिगर कुछ भी ले सकते हैं आप। यदि 5 की रफ्तार से जाएंगे तो 3 घंटा लगेगा और 3 की रफ्तार से जाएंगे तो 5 घंटा लगेगा। माई मीन टू से दैट रेशियो ऑफ स्पीड इज 5:3, द रेशियो ऑफ टाइम विल बी 3:5। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। इसको हम देखिएगा कैसे यूज करते हैं वर्क एंड टाइम में, कैसे यूज करते हैं नल एंड टंकी में, कैसे यूज करते हैं ट्रेन डिस्टेंस में, कैसे यूज करेंगे बोट एंड स्ट्रीम में, और इसको चैप्टर को कैसे हम 5-6 मिनट को आसान बनाते हैं। छाप लीजिए जल्दी से। चाल का अनुपात 5:3 होता है तो समय का अनुपात 3:5 होता है। इसका निर्धारण, इसका फैसला दूरी करती है, दूरी कितना दूर है। ठीक है, तो आइए हम फिर एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीन व्यक्तियों की चाल का अनुपात, तीन आदमी की चाल का अनुपात 5:3:4 है, 5:3:4 है, इनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताएं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चाल का अनुपात है 5:3:4, ये हमारा आप अनुपात है चाल का। समय का अनुपात बताने के लिए आपको एक डिस्टेंस से मदद मांगनी होगी। दोस्तों डिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ही फैसला करेगा समय का। माना कि 4, 3 और 5 का एलसीएम 60 मान लेते हैं। दोस्तों एलसीएम कैसे निकाला जाएगा आपको सिखाया जाएगा नंबर सिस्टम में, फिलहाल आप काम चला लेंगे। 5 की रफ्तार से जाएंगे 12 घंटा लगेगा, 3 की रफ्तार से जाएंगे 20 घंटा लगेगा और 4 की रफ्तार से जाएंगे 15 घंटा लगेगा। दोस्तों 5:3:4 यदि चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात 12:20:15 होगा। दोस्तों इसको आप दूसरे नियम से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 5:3:4 ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात इसका उल्टा होता है 1:3:4 भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 1 में हमने करा दिया है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देखते हैं, भिन्नात्मक रूप में नहीं देखते हैं। 4:3 इसके अंश में गुणा कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। 5 और 4 का गुणनफल, 5×4 एक में गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा। 5×3 और 1 में गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा। ये टाइप नंबर 1 में हमने सिखा दिया है। इसी को बेस बना के हम कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, उस क्वेश्चन को आप अटैक कीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लड़का यदि अपनी चाल को 2/5 करके चलता है, 2/5 करके चलता है तो गंतव्य स्थान पर वह 48 मिनट देर से पहुंचता है, गंतव्य स्थान पर वह 48 मिनट देर से पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2/5 करने का मतलब है, नीचे वाला हमने बचपन से ही पढ़ा रहे हैं टाइप नंबर 1 से ही, कि नीचे वाला होता है आपका वास्तविक चाल, क्या होता है वास्तविक चाल होता है। तो किसी कारणवश अब जो है ना अपनी स्पीड को 2 कर दिया, क्या कर दिया 2 कर दिया, ठीक है 2/5 कर दिया, मतलब 5 था तो 3 कर दिया, ये आपका अनुपात है चाल का। तो समय का अनुपात 2:5 होगा। माई मीन टू से दैट स्पीड 5 थी, समय 2 लगता था, स्पीड 2 है, समय 5 लगेगा, आप देर हो जाएगी 2 से 5, कितना देर हो गया आप, 3 देर हो गए, 3 लेट हो गए, लेकिन क्वेश्चन में 48 लेट दे रखा है, ये 16 टाइम से सोर्तियां 48 बचपन से ही हम लोग पढ़ा रहा हूं, बचपन से पहले टाइप से पढ़ा रहा हूं कि 16 गुना होगा
तो समय कितना लगेगा, 16 इंटू 2 बराबर 32 मिनट लगता था, यानी वास्तविक चाल थी तो वास्तविक समय 32 लगता था, अब स्पीड कम हो गई तो अब लगेगा 80, आप लेट हो जाएंगे 48, आपका आंसर ये है, ठीक है ना। वास्तविक चाल से जाएंगे, सामान्य समय 32 होगा। क्वेश्चन को छाप लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन और बोलता हूं इस पे, ठीक है, छापिए। एक आदमी अपनी चाल को, एक आदमी अपनी चाल को यदि 40% बढ़ा करके चलता है, 40% बढ़ा के चलता है तो गंतव्य स्थान पर, तो गंतव्य स्थान पर 22 मिनट पहले पहुंच जाता है, 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है। दोस्तों ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं क्वेश्चन के, बड़े बड़े क्वेश्चन जो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है, सब क्वेश्चन करने के लिए भी ये सब तरीका अपनाया जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इसको जानना आपकी मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं मजबूरी है, जानना ही चाहिए, नहीं जानते हैं तो मैथ नहीं सीख पाएंगे। 40% क्या बनाता है, 40% बनाता है 2/5। वास्तविक स्पीड उस व्यक्ति की है 5। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, फिलहाल अभी हम इंग्लिश में हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। अब जो स्पीड है ना 40% बढ़ गया है, 40% का मतलब स्पीड 5 हुआ करता था तो अब 7 हो गया है। यह है आपका चाल का अनुपात, समय का अनुपात 7:5 होगा। पहले 7 समय लगता था, स्पीड कम थी तो 7 समय लगता था, स्पीड ज्यादा हो गई तो समय कम लगेगा। लड़का 2 पहले पहुंचेगा, 7 और 5 का जो अंतर, पहले कितना पहुंचेगा, 2 रेशियो है, क्या है, 2 रेशियो की वैल्यू दे रख दिया है, कितना 22, ये 11 गुना है, ये 11 गुना है, 2 यूनिट बराबर 22, 11 गुना है। वास्तविक चाल 5 थी तो वास्तविक समय 7 लगता था, तो 2 बराबर 22 तो 1 बराबर 11, इसलिए 7 बराबर, पहले जो टाइम लगता था वो 77 मिनट लगता था, जो अब लगेगा वो 55 लगेगा, यहां से 22 मिनट का समय बच जाएगा। तो ये एक झलक देखा हमने रेशियो का, अपोजिट रेशियो में परिवर्तन का। 2 क्वेश्चन हमने किया, 3 क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों ये हम सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को अपने दिमाग से जोड़ रहा हूं, क्वेश्चन पर मत जाइएगा कितना सरल क्वेश्चन करा रहे, नहीं, बड़े क्वेश्चन तो हमें ही करवाने हैं तो बाद में हमारी एनर्जी बचत हो, इसलिए आपको बेसिक पे हम पहले ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आसान क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से लेते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में, सीता उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, राम करते हैं 10 दिन में, सीता करती हैं 15 दिन में, आप ही बताइए। ये यदि दिन ऐसा है, यदि राम 10 दिन में कर देते हैं, सीता 15 दिन में करती हैं, तो क्षमता किसकी ज्यादा होगी,
औकात किसकी ज्यादा होगी, 10 दिन में करते हैं इनकी क्षमता ज्यादा है, 10 दिन में करते हैं क्षमता ज्यादा है। दीन और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट संबंध से होते हैं, अपोजिट संबंध। और दोस्तों यदि आप दीन और क्षमता का संबंध निकालेंगे तो क्षमता का डिसीजन कौन करेगा, एक काम करेगा। जब दोनों को एक काम में भिड़ा देंगे, दोनों को एक काम दे देंगे कि लोग काम करो, तो इनकी क्षमता का निर्धारण हो जाएगा। माना कि 30 इनका टोटल काम दे दिया गया, कुछ भी मान सकते हैं, 10, 15, 20 एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 करेंगे। 15 दिन में सीता करती हैं तो एक दिन में 2 काम करती होंगी, ठीक है। इनकी क्षमता 3 है, यानी कहने का मतलब है कि ध्यान से देखिए, 5 × 10 5 × 15 2:3 यदि दिन का अनुपात है तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, ठीक है। 30 काम करना है, इनकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, और 30 काम करना है तो काम कितने दिन में खत्म होगा, आपका 6 दिनों में काम खत्म होगा। छाप लीजिए फटाफट, दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा तो वीडियो को थोड़ा इधर उधर करके देख लीजिए। हम इस पे 5वां क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नल ए टंकी को 18 घंटे में भर सकती है, 18 घंटे में भर सकती है, जबकि नल बी भरा हुआ टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है, 45 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लेगा, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये लिखना है ना दोस्तों, ध्यान से समझिए। नल ए है 18 घंटे में टंकी को भर सकता है, 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। जो नल बी है वो टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है ना, आप ही बताइए भरने वाले की क्षमता ज्यादा है कि खाली करने वाले की क्षमता है। भरने वाला जल्दी भर देता है, खाली करने में इसको 45 घंटा लग जाता है। इट मीन्स द इफिशियंसी ऑफ भरने वाला इज मोर देन खाली करने वाले से, ठीक है। इनकी क्षमता का डिसीजन कैसे लेंगे, इनका क्षमता का डिसीजन तब हो पाएगा जब इनको किसी काम में लगाएंगे, कहेंगे लो अपना अपना काम करो। 18 और 45 का एलसीएम 90 होता है, 90 कैसे आएगा ये भी सिखाया जाएगा आपको, फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग का मतलब है कि इतना चीजें तो आपको जानना अपरिहार्य रूप से जरूरी है। इसकी भरने की क्षमता हो जाएगी 5, खाली करने की क्षमता हो जाएगी 2, भरने की क्षमता ज्यादा है खाली करने वाले से। टंकी में अभी भी पानी जाएगा 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 पानी अभी भी जाएगा, और भरना कितना है 90, लग जाएगा आपका 30 घंटे, है ना। टंकी यदि दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी 30 घंटे में भरेगी। छाप लीजिए दोस्तों, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के वो चीजें पढ़ रहे हैं जिससे आपका दिमाग और मेरा दिमाग पूरी तरह से कनेक्ट हो सके। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अभी हमने एक नल टंकी से क्वेश्चन लिया था, एक वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन लिया था, पीछे के हमने टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन लिया था। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक को हमें प्रयोग करके पूरे चैप्टर पे अटैक करना है, वर्क एंड टाइम पे अटैक करना है, नल टंकी पे अटैक करना है, ट्रेन पे, टाइम डिस्टेंस पे, बोट स्ट्रीम पे, नंबर सिस्टम में, बहुत सारी जगहों पे अटैक करेंगे। और मान लीजिए कि नहीं करना है तो भी आपको जानना ये मजबूरी है, इसको जानना ही है।
लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राम राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा जाता है, दिल्ली से आगरा जाता है तथा पुनः आगरा से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल की गणना करें। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल के लिखवाने से यही फायदा है कि आपने क्वेश्चन बोल दिया, आपने लिख लिया, कंसंट्रेट हो रहे हैं क्वेश्चन पे, लिखें, वीडियो को थोड़ा सा पुश कर दें, हल करने का ट्राई करें, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल। दोस्तों विश्वास करें, क्वेश्चन यदि आपको लिखा लिखाया मिल जाता है, आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखेंगे कल को भूल जाएंगे। लेकिन एक बार आपने यदि नोट्स बना लिया अपना, दोस्तों आपको जिंदगी में किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन यदि मैं लिख के पढ़ाऊं तो मेरा ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा टाइम आप वीडियो को देखेंगे, इससे मेरा घंटा बढ़ेगा, मुझे पेमेंट ज्यादा यूट्यूब से आएगा, मेरे व्यूअर बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से मुझे पढ़ने वाले लड़कों की संख्या मिलेगी। जो भी छात्र पढ़ रहा होगा वो चीजों को समझ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। यदि आप वीडियो को सीधे ऐसे देखते हैं, हवा में देखते हैं, आप मेरे महत्व को समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, दिल्ली से आप आगरा गए हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, देखिए जा रहे हैं आगरा, जा रहे हैं, ऐसे गए आप, यहाँ पे आगरा पहुंच गए। ठीक है, पहुंच गए ना। पुनः आगरा से आप दिल्ली आ गए हैं तो जल्दी से आगरा देखने की इच्छा है, 60 की रफ्तार से गए हैं। आने की बारी हुई तो आए हैं आप 40 की रफ्तार से। तो औसत का मतलब यह नहीं होता है कि आप 60 और 40 दौड़ के दो से भाग दे दें, आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये गलत है, औसत बहुत सारी बारीकियों पे आपको बताया जाएगा कैसे करना है सब। ध्यान से देखिए औसत क्या होता है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी नहीं पता है। मान लीजिए 60 और 40 का एलसीएम 120 होता है। ठीक है, 60 की रफ्तार से जाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा ना, जाने का टाइम हो गया 2 घंटे। 40 की रफ्तार से आएंगे तो 1 घंटे में 40, तो 3 घंटे में 120। ठीक है, कभी ना कभी ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आपने, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लगा समय। ठीक है, ध्यान से देखिए, दिल्ली से गए 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 120 गए, आए 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 120 आए, यानी कि 240 गए, जाने में लग गया 2 घंटा, आने में लग गया 3 घंटा, 5 लग गया ना टोटल टाइम, कुल लगा समय ये हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल है, क्या है, औसत चाल हो गई आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अभी आपने देख रहे थे ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5 की पहली क्लास। इसमें हमने रेशियो को अपोजिट रेशियो में थोड़ा सा परिवर्तन सीखा है। टाइप नंबर 5 की पहली क्लास यही हम खत्म करेंगे। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 5 की दूसरी क्लास करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। धन्यवाद।